हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन आइकन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप रिसर्च पढ़ते हैं तो हर जगह आपको वेरिएबल वर्ड दिखाई देगा, और रिसर्च को अच्छे से समझने के लिए वेरिएबल्स क्या होते हैं इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसे आप मेजर करना चाहते हैं, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वेरिएबल का सिंपली मीनिंग ये है कि एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इन सम वे, मीन्स कोई भी चीज़ जिसे आप मेजर करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लाइक पर्सन, प्लेस, कोई भी फैक्ट जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल। एक वेरिएबल जो है वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक होती है, एक ऐसी फीचर होती है जो वेरी होती रहती है, जो चेंज होती रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल। वेरी प्लस एबल, वेरी मीन्स चेंज और एबल मीन्स एबिलिटी, तो जिसमें वेरी होने की एबिलिटी होती है उसे कहते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं लाइक मोर स्ट्रेस कॉज मोर चांसेस ऑफ कैंसर, मीन्स ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस स्टडी में एक वेरिएबल हो गया स्ट्रेस और सेकंड वेरिएबल हो गया हमारा कैंसर। तो वो लोग जिनको भी कैंसर होती है, उन सभी पर्सन को जो कैंसर है, क्या उन सब का रीज़न स्ट्रेस है? क्या सभी लोगों को कैंसर सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती है? क्या कोई और फैक्टर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्ट्रेस एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, एक सिंगल वेरिएबल नहीं होता जिसकी वजह से कैंसर हो रही है। ओके, कैंसर होने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सारे फैक्टर, वो सारे वेरिएबल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। किसी पर्सन को कैंसर होने के पीछे कोई और रीज़न होगा, तो दूसरे पर्सन के अफेक्टेड होने के पीछे कोई और रीज़न होगा। ओके, तो वेरिएबल जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, वो सबके लिए सेम नहीं होते, और इवन विद इन पर्सन ओवर अ टाइम, मीन्स वेरिएबल पर्सन टू पर्सन तो डिफरेंट होते ही है, इसके साथ साथ ये एक पर्सन के लिए भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लाइक हाइट, एज। तो ये वेरिएबल क्या कैसे हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो कोई भी करेक्टरिस्टिक, कोई भी क्वांटिटी या फिर कोई फीचर जो चेंज होती रहती है और जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, उसे कहेंगे हम वेरिएबल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। जब रिसर्चर कोई रिसर्च करता है, कोई स्टडी करता है, तो वो अपनी रिसर्च में जिन फैक्टर्स को वो चेंज कर सकता है, प्लस जिन्हें वो मेजर कर सकता है, उसे बोलते हैं हम वेरिएबल, राइट? तो उन सभी वेरिएबल में से एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसे रिसर्चर अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकता है, जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रिसर्च कर रहे हैं कि टीचिंग मैथड से, किस टीचिंग मैथड से स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए हमने 3 से 4 डिफरेंट मैथड लिए और हमने स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ये चेक करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा मैथड ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमने स्टूडेंट्स को पहले फर्स्ट मैथड से पढ़ा कर देखा और उनका टेस्ट लिया, देन हमने सेकेंड मैथड से पढ़ाया, फिर दोबारा टेस्ट लिया, और ऐसे हमने 4 मैथड्स को यूज़ करके देखा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैथड्स ऑफ जो टीचिंग है उसको चेंज कर रहे हैं। ओके, तो जिस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं उसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ में हम ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनके मार्क्स, उनके टेस्ट में जो स्कोर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? तो यहाँ मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स एक ऐसा वेरिएबल जिसको रिसर्चर चेंज कर सकता है, जिसको मैनिपुलेट कर सकता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसको चेंज करके हम ये चेक करते हैं कि उसके चेंज होने से बाकी फैक्टर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक जब तक हम खुद की अर्निंग करना स्टार्ट नहीं करते तब तक हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं, राइट? और हमारा खर्चा उस पॉकेट मनी पर डिपेंड करता है। तो एक वेरिएबल हो गया पॉकेट मनी और दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया स्पेंडिंग, हमारा खर्चा। तो अगर पेरेंट्स हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दे तो क्या होगा, हमारा खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट? इसका मतलब पॉकेट मनी का हमारे खर्चे पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो पॉकेट मनी क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं और जिसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट मीन्स एक ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड करता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है वो खुद अपनी मर्जी से चेंज नहीं हो सकता, उसका चेंज होना या ना होना दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पॉकेट मनी वाले एग्जांपल में क्या था कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दे तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा खर्चा, हमारी स्पेंडिंग जो है वो डिपेंड करती है किस पर? पॉकेट मनी पर, राइट? तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे जितने खर्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पॉकेट मनी मिलती है। पेरेंट्स जितने पैसे देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना खर्चा एडजस्ट करना पड़ता है, राइट? तो हम खर्चा ज़्यादा करेंगे या फिर कम, ये डिपेंड करता है हमारी पॉकेट मनी पर। तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा? एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो पॉकेट मनी पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग को हम मीडिएटर वेरिएबल भी बोलते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो एक मीडिएटर का काम करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, एक ऐसा वेरिएबल जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को लिंक करता है, उसे बोलते हैं हम इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल की वजह से ही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पर अपना इफेक्ट डालता है। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम खुद चेंज नहीं कर सकते, बट वो चेंज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है हमारे दूसरे वेरिएबल पर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। ओके, से हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि मैथड ऑफ टीचिंग का स्टूडेंट्स के मार्क्स पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, उनके मार्क्स कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? मेथड ऑफ टीचिंग। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? हमारा मार्क्स, यानी उनका टेस्ट में स्कोर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में मेडिएटर का काम कौन करेगा? उनकी लर्निंग कैपेसिटी। ओके, उनकी लर्निंग कैपेसिटी की वजह से ही टीचिंग मैथड का उनके मार्क्स पर फर्क पड़ेगा। अगर लर्निंग कैपेसिटी एबसेंट हो जाए, मीन्स अगर लर्निंग कैपेसिटी ही नहीं होगी बच्चों के अंदर, तो आप किसी भी मेथड से पढ़ाओ स्टूडेंट्स के मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? तो इंटरवेनिंग वेरिएबल की वजह से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, तो मान लो कि मैंने आज स्मोकिंग की तो क्या आज ही मुझे लंग कैंसर हो जाएगी? क्या स्मोकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारे लंग्स पर? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ स्मोकिंग जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्मोकिंग लंग कैंसर पर डिपेंड नहीं करती, इनफैक्ट लंग कैंसर डिपेंड करता है हमारे स्मोकिंग पर। ओके, तो लंग कैंसर क्या हो गया? एक डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता, उसके बीच में एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी हेल्प से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को अफेक्ट करता है। यहाँ वो जो हमारा मीडिएटर वेरिएबल है वो क्या है? हमारा टिश्यू। ओके, तो जैसे जैसे आप स्मोकिंग करेंगे वैसे वैसे आपके टिश्यूज डैमेज होते जाएंगे, और टिश्यू डैमेज होने की वजह से कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक बनाता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रोनियस वेरिएबल। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो ये चेक करते हैं कि वेरिएबल के चेंज होने से, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन्स इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी रिसर्च, हमारी स्टडी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी रिसर्च के रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सट्रोनियस वेरिएबल। एक्सट्रोनियस के नाम से ही हमें पता चलता है कि कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो मेन वेरिएबल तो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, बट इनके अलावा भी और वेरिएबल होते हैं जो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट को अफेक्ट करते हैं, और जिससे कि आपके डिपेंडेंट पर असर पड़ता है। जैसे हमने टीचिंग वाले एग्जांपल में बात की, मेथड ऑफ टीचिंग जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और उसको चेंज करके हम चेक कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? तो उसमें हो सकता है कि मेथड चेंज करने से स्टूडेंट का स्कोर काफ़ी अच्छा आया हो, बट उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लाइक वो टॉपिक काफ़ी ईजी था। तो हो सकता है कि टॉपिक ईजी होने की वजह से उनके स्कोर जो है वो ज़्यादा आए हों। ओके, तो जो हमारी रिसर्च के फाइंडिंग में, रिसर्च के रिजल्ट में जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रोनियस वेरिएबल। नेक्स्ट इज कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल मींस जब आपका एक्सट्रोनियस वेरिएबल जो है, जो अगर वो मेन रीज़न बन जाए
हमारी रिसर्च के रिजल्ट में, मीन्स हमारी रिसर्च का जो रिजल्ट आया है वो एक्सट्रोनियस वेरिएबल की अफेक्ट होने से आया है, तो एक्सट्रोनियस वेरिएबल उस केस में कंपाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। देखो क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पर क्या असर पड़ता है, राइट। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट ना पड़ के एक एक्सट्रोनियस वेरिएबल का इफेक्ट पड़ता है, तब एक्सट्रोनियस वेरिएबल को ही कंपाउंडिंग वेरिएबल बोल देते हैं। मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जब एक्स्ट्रा वेरिएबल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो आपकी रिसर्च के रिजल्ट को चेंज कर देता है, उसे मैनिपुलेट कर देता है, तो वो एक्स्ट्रा वेरिएबल एक कंपाउंडिंग वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है। तो एक साइड है हमारे पेरेंट्स और दूसरी साइड ले लेते हैं हम अपने आपको, यानी हम जो है वो हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, राइट। तो हम हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल और हमारे पेरेंट्स हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो बाहर से आता है और वो है हमारे रिश्तेदार। ओके, तो पेरेंट्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल और रिश्तेदार जो है वो हो गए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, मीन्स एक्सट्रोनियस वेरिएबल। ओके, तो हमारे रिश्तेदार आते हैं, मामा चाचा ताऊ व्हाटएवर, और आते ही हमारे पेरेंट्स के सामने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका लड़का आपकी लड़की अब बड़ी हो गई है तो इसकी शादी कर देनी चाहिए, और वो 2-3 घंटे इसी टॉपिक पर बात करते हैं। और हमारे पेरेंट्स मान लो कि उनकी बातों में आ गए तो क्या होगा, आपकी शादी हो जाएगी, राइट। तो जब बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा वेरिएबल मीन्स आपके रिश्तेदार इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं कि उसका आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ता है, तो उस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल ना होके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कंपाउंडिंग वेरिएबल में। ओके, व्हेन एन एक्सट्रोनियस वेरिएबल इज द रियल रीजन फॉर एन आउटकम इंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट का इफेक्ट ना पड़ के किसका इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सट्रोनियस का, तो उसे बोलते हैं हम कंपाउंडिंग वेरिएबल। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्टेंट वेरिएबल मीन्स जब आप रिसर्च करते हैं तो अगर आप अपनी फाइंडिंग में एक सिंगल वैल्यू को यूज कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल, लाइक फ्लावर, ट्री, ठीक है। तो जब आप एक सिंगल वैल्यू यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे कॉन्स्टेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इज डाइकोटमस वेरिएबल। डाई मीन्स टू, तो जब आप दो वैल्यू या दो कैटेगरी का यूज करेंगे तो उसे बोलते हैं डाइकोटमस वेरिएबल, लाइक मेल फीमेल, रिच पुअर। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीटॉमस वेरिएबल। पॉली मीन्स मोर देन टू, यानी बहुत ज़्यादा, तो जब दो से ज़्यादा वैल्यू या दो से ज़्यादा कैटेगरी यूज करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा पॉलीटॉमस वेरिएबल। ओके, लाइक पुअर, गुड एंड एक्सीलेंट, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। ओके, जैसे कि एवरेज, सॉरी बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। ओके, तो जब आप रिसर्च में अपनी फाइंडिंग में मोर देन 2 कैटेगरी यूज करते हैं, मोर देन 2 वैल्यूज को यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा पॉलीटॉमस वेरिएबल। ओके, मीन्स अगर एक वैल्यू यूज करोगे तो उसे बोलेंगे कॉन्स्टेंट, दो वैल्यू यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे हम डाइकोटॉमस वेरिएबल, और जब दो से ज्यादा वैल्यू यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे हम पॉलीटॉमस वेरिएबल। ओके, तो ये थे वेरिएबल और उसके कुछ टाइप्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।